तो कैसे हो मेरे भाइयों, मैं आपके लिए आज लेके आ गया हूँ क्रेटा का नया फेसलिफ्ट। हाल ही में जनवरी मंथ में लॉन्च किया है हुंडई ने इस गाड़ी का फेसलिफ्ट। 4 साल में कंपनी इस गाड़ी का फेसलिफ्ट देती है, क्योंकि मेंटेन करके रखा है हुंडई को इस गाड़ी ने, क्योंकि इस गाड़ी को पूरा पैकेज की तरह कंपनी ने प्रेजेंट किया है। और मैं भी मानता हूँ कि क्रेटा पूरा पैकेज है। जब से लॉन्च किया तब से आज तक इसकी सेल में कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है कंपनी ने, क्योंकि पता है कंपनी को इस गाड़ी को ऐसे ही डिज़ाइन किया है और इससे को ऐसे ही मेंटेन करना है कंपनी को, बराबर। हम बात करते हैं आगे की और पीछे की प्रोफाइल की। तो पीछे की प्रोफाइल पे पब्लिक ने बहुत सारा रोस्ट उठाया था पिछली वाली क्रेटा में, तो इस गाड़ी का जो लुक था आगे का और पीछे का इस फेसलिफ्ट में पूरा चेंज कर दिया है, वो मेरे को अच्छा लगा है। साइड प्रोफाइल पे कोई भी असर नहीं किया है कंपनी ने, वो मेरे को वहाँ पर भी अच्छा लगा है। क्यों? क्योंकि साइड प्रोफाइल इसका अच्छा था, पहले वाले मॉडल का अच्छा था, तो वहाँ पे कोई भी चेंज करने की आवश्यकता मेरे को पर्सनली नहीं लगती थी, और कंपनी ने भी उसको नहीं छुआ है, तो वो एक अच्छी बात है और मैं उसको सराहना देता हूँ। और आप क्या सोचते हो, वही सोच सबकी होती है ऐसा मैं मानता हूँ, तो आप कमेंट करके मेरे को एक बार ज़रूर से बताइए। पीछे का लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे का लुक पूरा चेंज किया है, जो मेरे को पर्सनली अच्छा भी लगा है, और आपको कैसा लगा है वो कमेंट करके मेरे को ज़रूर से बताएं, तब से मैं जान पाऊंगा कैसा लगा आपको। हम पिछले वाले रो की बात करें तो इसमें कितनी स्पेस कार्ड मिल जाती है वो आपको हम बात करते हैं। यहाँ पे शीशे वाला ग्लास में जो शील्ड है आता है वो यहाँ पे दिया है, लेकिन ये तो SX मॉडल है, SX मॉडल हर कोई नहीं खरीदता है। इसका जो E मॉडल आता है और EX मॉडल आता है वो सबसे ज़्यादा बिकता है इंडिया में, तो मैं उस पर ही बात करूँगा। तो ये तो टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में बहुत सारे चीज़ें मिलती है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये सब नीड है, ठीक है। हम पहले पिछली रो की बात कर लेते हैं। इसमें अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, ये तो सब मॉडल में मिलती है स्पेस, तो अच्छी है। और जो इसमें इसके ऊपर बात करने की इतनी मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पिछली वाली क्रेटा आती थी सेम है, सेम। इसमें मतलब कि कोई भी मतलब ये सीट को इधर ले लिया उधर ले लिया वो कोई भी चेंज नहीं किया। बोस वाले स्पीकर आते थे, ये तो टॉप मॉडल में आते हैं, बाकी तो इसमें जो नॉर्मल से स्पीकर आते हैं वही आते हैं EX मॉडल में। मैं EX पे ज़्यादा देता हूँ क्योंकि ग्राउंड टू अर्थ में बात करता हूँ, और सबसे जो ग्राउंड टू अर्थ लोगों होते हैं वो क्या लेते हैं, EX मॉडल ले लेते हैं, तो उस पर हम ज्यादा बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मतलब कोई भी चेंज नहीं है किया है, अच्छा खासा कंफर्ट है और थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा खासा दिया है कंपनी ने। इंटीरियर पे बहुत का सारा काम किया है, हम इंटीरियर पे आगे जाके एक बार बात करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इंटीरियर पे क्या क्या चेंजेस किए हैं कंपनी ने, ठीक है। इंटीरियर पे अंदर जाने से पहले मैं बता देता हूँ, प्रीमियम फीलिंग आ रही है मेरे को, बराबर। तो यहाँ पे सबसे मेन चेंजेस हुआ है वो हुआ है बेस मॉडल से कंपनी ने इसका जो मीटर है उसको डिजिटल कर दिया है। जो एनालॉग आता था, जो टॉप मॉडल में ही डिजिटल मिलता था, उसको पूरा चेंजेस कर दिया है। वो मैं सबसे अच्छी बात लगी है, इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीटें मिल जाती है, बट वो SX मॉडल टॉप मॉडल में मिलती है। पुश स्टार्ट वाला बटन भी मिलता है, वो भी टॉप मॉडल में मिलता है, लेकिन इंटीरियर में थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। आपको कैसा लगा है इंटीरियर का चेंजेस कमेंट करके जरूर से मेरे को बताइए, ठीक है। जो मैं डिजिटल एनालॉग मीटर की बात कर रहा हूँ उसका एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो बाकी तो यहाँ पे देखो, जो क्रूज कंट्रोल हो गए, फिर मैं आपको बताता हूँ ऊपर वाला पैनारोनोमिक सनरूफ हो गया, यहाँ पे देखो इसका जो म्यूजिक सिस्टम हो गया, ग्लव बॉक्स की बात करें तो AC वाला ग्लव बॉक्स हो गया, वो सब तो आपको क्या मिलता है पूरे SX मॉडल में मिल जाता है। सेंटर कंसोल की मैं बात करूँ तो मेरे को क्रेटा का सेंटर कंसोल पहले भी नहीं पसंद था, इस बार भी नहीं पसंद है, क्योंकि इस पर इतना काम नहीं करती है यार कंपनी। टाटा का सेंटर कंसोल देखो। सनरूफ की बात करूँ तो सनरूफ अच्छा है, बहुत बड़ा सनरूफ दिया है। IRVM की बात करूँ तो इसमें डिजिटल मिल जाता है, वो भी एक अच्छी बात है। सबसे मेन बात तो मैं इंटीरियर पे करता हूँ, इंटीरियर इसका पूरा चेंज किया है कंपनी ने, इस पे काम किया है, लेकिन आपको कैसा लगा वो आपको कमेंट करके मेरे को ज़रूर से बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है, वो अच्छी बात है। जो
सब गाड़ी में फीचर्स आते हैं, सभी गाड़ी के फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं, वो एक अच्छी बात है और अच्छी बात रहेगी क्योंकि क्रेटा को चलाना है कंपनी को, वो आपको पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है। तो इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की है, मैंने आपको दिखाई मेरी ओर से जितना हो सके उतना। आपको कैसी लगी ये गाड़ी आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना रहे है, क्योंकि आपकी बात ही सराखों पे होती है सबके लिए, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं आपके मंतव्य से, मेरे को भी पता चलेगा कि कंपनी ने क्रेटा में कैसे चेंजेस किए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।